हेलो गाइस, डिजिटल ध्रुव यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महानंद ध्रुव। यूट्यूब फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि सैमसंग गैलेक्सी J7 में डिलीट किए हुए फोटो और वीडियो को फिर से अपने मोबाइल फोन पर वापस कैसे ला सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी फोन से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलो फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी J7 की होम स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सैमसंग गैलेक्सी J7 की गैलरी को ओपन कर लेना है। यहाँ पर गैलरी के इंटरपेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, इमेज पर एक बार टैप करना। टैप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार के बहुत सारे फोटो आ जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रायल दिखा रहा हूँ यार, किसी भी फोटो या वीडियो को डिलीट करके से वापस कैसे लाना है। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ से फोटो और वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन को एक बार टैप कर लेते हैं। यहाँ पर टैप करते यार यहाँ पर इस प्रकार के छोटा सा पॉपअप पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिलीट पर एक बार टैप करना। टैप करते यार यहाँ पर सारे जितने भी फोटो सेलेक्ट किए थे वो डिलीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है यार, डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, मोबाइल फोन की स्क्रीन को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्क डिगर की एप्लीकेशन को एक बार टैप करना है। यदि इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। टैप करते यार यहाँ पर इस प्रकार का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट बेसिक फोटो स्क्रीन पर एक बार टैप करना। टैप करते यार यहाँ पर इस प्रकार न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यार, जितना भी फोटो को डिलीट किए थे वो यहाँ पर रीस्टोर हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो यार, बहुत सारे फोटो रीस्टोर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, जिस भी फोटो और या फिर वीडियो को फिर से वापस लाना चाहते थे, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेना और डिलीट किए हुए फोटो को सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है यार, यहाँ पर रिकवर पर एक बार टैप करना। टैप करते यार यहाँ पर इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन पर एक बार टैप करना। टैप करते यार यहाँ पर इस प्रकार का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डिवाइस स्टोरेज और SD कार्ड का। यहाँ पर आपको क्या करना है, या डिलीट किए हुए फोटो को वापस लाना चाहते थे, इसके लिए आपको क्या करना है, डिवाइस स्टोरेज पर टैप करना है या फिर SD कार्ड पर एक बार टैप करना। टैप करते यार यहाँ पर इस प्रकार का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन को एक बार टैप करना। टैप करते यार यहाँ पर इस प्रकार का एक न्यू इंटरपेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट की ऑप्शन को एक बार टैप करना। टैप करते यार जितना भी फोटो डिलीट किए थे वो रिकवर हो चुका, डिलीट किया वो फोटो वापस हुआ है या फिर नहीं, इसे पता करने के लिए फिर से गैलरी को ओपन कर लेना है। यहाँ पर गैलरी के इंटरपेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, इमेजेस पर एक बार टैप करना। टैप करते यार यहाँ पर आप देख सकते हैं यार, जितना भी फोटो और वीडियो को डिलीट किए थे वो हमारे मोबाइल फोन पर वापस आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा यार, हमें कमेंट पर जरूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही यार, अगले वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।